बहनों, भारत की आजादी की भाषा की सालगिरह के पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। यह अवसर हमें अपने देश के गौरवशाली अतीत से जोड़ता है, यदि याद दिलाता है कि तिरंगों की ताकत पर सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे पुरखों ने कितना संघर्ष, त्याग और बलिदान किया था। आजादी के उस महान आंदोलन को याद करते हुए हमारे शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी लोगों को मैं सादर नमन करता हूं। इस पावन अवसर पर यह विचार करना चाहिए कि हमारे पुरखों ने जिस तरह की आजाद भारत की कल्पना की थी, क्या वह पूरी हो गई है? हमारे देश के विकास की दिशा और दशा क्या हमारी गौरवशाली विरासत से मेल खाती है? देश के अंदर ही दो देशों भारत और इंडिया के अलग अलग तरह से विकास की चर्चाएं आम है। असंतुलित क्षेत्रीय विकास ने देश में विकास समस्याएं पैदा की है। असंतुलित विकास का दर छत्तीसगढ़ में बहुत झेला है। हमारे राज्य का जन्म ही विकास के क्षेत्रीय असंतुलन और पिछड़ेपन के कोप से हुआ था। अब एक छत्तीसगढ़ वासियों की सोच के अनुरूप राज्य को विकास के अपने मॉडल का चुनाव करने का अवसर मिला। राज्य के संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सबके विकास के रास्ते बनाए गए। हमने अन्नदाता किसान से वादा निभाया। किसानों के धान के बोनस रूप के रूप में 270 रुपया प्रति क्विंटल देने का फैसला किया और जिसके कारण समर्थन मूल्य किराया हुआ 8 लाख से अधिक किसानों को बोनस की पहली किस्त प्राप्त हुई। इस तरह किसानों के घर में पहुंचने वाली राशि 4,200 करोड़ से अधिक। हमने कृषि ऋण ब्याज दर पर 14% से घटा के मात्र 3% कर दी है। 5 साल पहले जो किसान साल भर में 150 करोड़ ऋण के रूप में ले पाते थे, उन्होंने इस साल 787 करोड़ से अधिक ऋण लिए। अब हम इस वर्ष 1300 करोड़ रूपये तक कृषि ऋण देंगे। मछली पालन, गौपालन, हॉर्टिकल्चर के लिए भी 3% पर ऋण देंगे। आजादी के बाद राज्य के किसानों को मुश्किल से 1 लाख कम कनेक्शन दिए गए थे। हमने 5 सालों में 1,39,000 नए कम कनेक्शन दिए। अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को 5,000 तक स्टैक पंप पर निःशुल्क विद्युत किराए जारी रहेगा। इसके अलावा अन्य सभी वर्गों के 5 हॉर्स पावर तक पंप वाले किसानों को 2 अक्टूबर 2009 से निःशुल्क बिजली दी जाएगी। इन किसानों को नाम मात्र का स्पाइक ट्यूब और मीटर किराया दिया होगा। खेतों में सुनिश्चित सिंचाई के लिए पिछले वर्ष में 7,770 नलकूप खोदे गए थे, इस वर्ष 15,000 नलकूप खोदे जाएंगे। प्रति नलकूप रिचार्जिंग के लिए 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, मसलन प्रमाणित बीज का उपयोग बढ़ाने के लिए अक्सी बीज संवर्धन योजना प्रारंभ की गई है। अभी बीते मानसून में देरी की वजह से बड़ी बेचैनी महसूस की जा रही थी, जिस बेचैनी को भी एक पृष्ठभूमि है। आजादी के लगभग 6 दशक में छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता मात्र 22% हो पाई थी, इसलिए मानसून में देरी दर सताने लगती है। सोचिए कि 50 साल में 22% की रफ्तार से निकलते रहते तो 9% बढ़ाने में 22 साल लग जाते, जबकि नए गांव से सघन प्रयासों से हमने सिंचाई क्षमता 21% तक पहुंचा दी है। हमने राज्य की सिंचाई क्षमता को राष्ट्रीय औसत 50.8% लाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। वर्तमान में 9 बृहद 7 मध्यम 448 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन है, जिससे वर्ष 9-10 में 80,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता हासिल होगी। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि जिस सामाजिक न्याय